बात है राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भांगर की। राजा माधव सिंह अपने नए महल के लिए एक जगह ढूंढ रहे थे और इसी खोज में उन्हें मिलता है भांगर। भांगर एक बहुत बड़ा सुंदर गांव था जहां एक बहुत बड़ा तांत्रिक सिंघिया का राज था। तांत्रिक सिंघिया अपनी शक्तियों के लिए प्रसिद्ध था। वो इतना शक्तिशाली था कि अगर वो चाहे तो रातों रात किसी शहर को मिटा सकता था। राजा माधव सिंह सिंघिया के पास जाता है और उसकी जमीन पर अपना महल बनाने की अनुमति मांगता है। सिंघिया मान जाता है पर वो एक शर्त रखता है। ठीक है, तुम यहाँ अपना महल बना सकते हो पर मेरी एक शर्त है। याद रहे, इस महल का छाया कभी भी मुझ पर नहीं पड़ना चाहिए। और राजा ने शर्त मान ली। फिर राजा भांगर में एक आलीशान महल बनवाता है और वहाँ पर रहने लगता है। राजा माधव सिंह की पत्नी रानी रत्नावती अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी। पूरे राज्य में उसके सुंदरता के चर्चे होते थे। रानी रत्नावती की खूबसूरती तांत्रिक से नहीं छुपी। आखिर उसकी सुंदरता देख तांत्रिक को रानी से प्यार हो गया। समय बीतता गया और समय के साथ राजा का मन भी। राजा ने अपना वादा तोड़ दिया। वो अपने महल को और भी ऊंचा बनवाता गया, इतना ऊंचा कि अब उसका छाया तांत्रिक के स्थान पर छाने लगा, जिसके कारण उसके स्थान में रोशनी आनी बंद हो गई। अब सिंघिया को बहुत क्रोध आने लगा और उसने राजा से बदला लेने की ठान ली। राजा, तुझे अपनी महल और अपनी रानी की सुंदरता पर बहुत घमंड है ना? जिस पत्नी के कारण तुझे इतना घमंड है, अब वही तेरी नहीं रहेगी। फिर उसने एक दिन रानी को तोहफे में एक जादू इत्र भेजा, जिसके चिरकते ही रानी को तांत्रिक से प्यार हो जाए और वो राजा को छोड़कर उसके पास आ जाए। लेकिन किसी तरह रानी को उसके इरादों का पता लग जाता है। दुष्ट तांत्रिक, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी दुष्ट शक्तियों से मुझे अपने प्रेम के जाल में फंसाने की? मैं तुझे अपने इरादों में कभी कामयाब होने नहीं दूंगी। और उसने गुस्से में इत्र को एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया, जिसके कारण वो पत्थर तांत्रिक पर जा चिपका और तांत्रिक की मौत हो गई। जाते जाते उसने राजा रानी को श्राप दिया, आज से भांगर में कोई नहीं बचेगा, रातों रात सबकी मौत हो जाएगी, आज से ये भांगर शमशान घाट बन जाएगी। और ठीक ऐसा ही हुआ। तांत्रिक की मौत के बाद भांगर वालों के साथ अजीब और भयानक घटनाएं होने लगी। कुछ लोग मारे गए और बाकी अपनी जान बचाकर भांगर छोड़ के चले गए। कुछ ही दिन में राजा रानी की भी भयानक मृत्यु हो गई और पूरा भांगर खाली हो गया। और आज भांगर इंडिया टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। भारत सरकार के द्वारा आज भी भांगर में सूरज ढलने के बाद रुकना वर्जित है। आज भी कई लोगों ने भांगर के महल में रानी रत्नावती और तांत्रिक सिंघिया को देखने का दावा किया है। अगर आपको ऐसे ही कहानियां और जानकारी पसंद है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। हर हर महादेव।